तो भाई आप सभी को पता है कि ये दुनिया गोल है और इस पर कुछ गोल लोग भी पाए जाते हैं। हम आपको सीधे शब्दों में समझाते हैं, ज्यादा दिमाग मत खुजाइए, कि इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो जीने के लिए खाते हैं और एक वो जो भैया खाने के लिए जीते हैं। मतलब साफ है कि उनकी जिंदगी का लक्ष्य ये है कि इस धरती पर के सारे अन्न पानी खा के खत्म कर दे और इस जिंदगी से रफा दफा हो जाए। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही खाने के लिए जीने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं नील और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई इंसान कितनी रोटियां खा सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो आपका जवाब क्या होगा? 10, 15, 19, 20, शायद इतना काफी हो गया। तो भैया आप इनके ही मुंह से सुन लो बिहारी भाषा में, क्योंकि ये वहां से ही हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं। रोटी खाओ? तिरपन रोटी? यार इनका ये पेट है या टंकी है यार, मतलब कोई इतना कैसे खा सकता है। मेरे घर में टोटल हम 18 मेंबर्स है और हमारे घर टोटल 40 रोटियां बनती है और सारे घर के मेंबर्स पेट भर के खाते हैं, फिर भी 2-3 रोटी तो हर रोज बचती है। और ये मास से हमारे 53 रोटी, गजब यार गजब। खैर भाई आप जरा ये सोचो कि ये महाशय 53 रोटी खाता है तो 53 रोटी कितने दिनों में हजम होती होगी? और मेरे हिसाब से तो 2-3 दिन में तो शायद हजम हो जाती होगी, पर ये महाशय हगता कितना होगा आपने अंदाजा लगाया है? और कैसे हगता होगा देख लीजिए आप भी। टट्टी मेरी प्यारी टट्टी, शौचालय की रानी टट्टी, सुबह सुबह जब आए टट्टी, सुबह सुबह जब आए टट्टी, घर आंगन महकाए टट्टी। और भाई साहब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो बेकार आदमी है, इतना खाके करता क्या है। तो ठहर जाओ मैं इसका प्लस पॉइंट गिनवाता हूँ। अगर आप कोई ऐसे रिश्तेदार से परेशान है कि उनके घर आप जाते हैं तो बिना खाए हुए आने नहीं देते, या ऐसे ही झूठ मूठ का पूछते हैं कि खा लो और खिलाते कभी नहीं है, इनको लेके चले जाओ और बोलो कि आज खा के जाएंगे, दो लोगों का खाना बना दो, भैया पूरे महीने का राशन पानी साफ हो जाएगा। दुश्मनी निकालने का पहला मस्त तरीका। और हाँ, अगर आपका कोई दोस्त पार्टी देने वाला है और उसके पार्टी का अगर पाटा निकालना है तो इस भाई साहब से दोस्ती कर लो और पहुंच जाओ भाई, फिर देखो भाई। और ये चार नमूने को कैसे भूल सकते हैं, जरा देखिए इन्हें। आप सफाई हो चुका है, आप उधर से जाओ, मैं इधर से आता। अरे मेरे लिए तो रुको, आप इधर से जाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये चारों भी खाने के लिए जीते हैं, जरा देखो इन्हें, खा खा के कैसे फटे ढोल जैसी हालत बन चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये चारों घर पे इतना नहीं खाते होगे, बस दिखाने के लिए खाते होगे, वरना। पर यार देखो तो सही इन्हें। अजीब जानवर है, कितना भी खाए फूका ही रहता है। कांदा इन्फॉर्म, मां कसम कांदा भी रुक नहीं रहे। अरे मां कसम क्या चालू है। तो भाई अपन खाएंगे दो दो मटन लेग पीस। यार कैसे खा रहे हैं, इनका नाम तो गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना ही चाहिए कि चार महाशय कुत्ते से भी बदतर बेकार तरीके से
बकरा खाते हैं। वाकई आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये चारों भी खाने के लिए जीते हैं। और हाँ, ये हमारी मैडी दीदी को भी देख लो कि ये दीदी भी हमारी कैसे ठूसती है। कितना कितना ठूसना है यार तुमको, थोड़ा आराम से खा लो, कहीं नहीं भागा जा रहा है। वो भी कहने लगा होगा कि अब मेरी आत्मा तो बख्श दो बहन, अब मर चुका हूँ मैं, तू आराम से खा सकती है। मैं सही बता रहा हूँ कि ये बंदी अगर कहीं खाने के लिए गई ना, तो ये दो एक्स्ट्रा लेग पीस के लिए किसी का भी कत्ल कर सकती है। पर यार देखो तो सही इसे, तुझे भी यहाँ जलील करने के लिए बुलाया गया है। काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, निकम्मे नाकारा, हराम का खा खा कर और शराब पी पी कर गेंडा बन गया है तू। कुंभकर्ण का एक टाइम का खाना भी अगर इस बंदी को दे देना तो बंदी डकार भी नहीं मारेगी और पूरा सवा चट कर जाएगी, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। और हाँ, मेरी क्यूट पांडा बहना के लिए एक शायरी भी है मेरे पास, आप सुन के जरूर बताना कमेंट में कि ये शायरी आपको कैसी लगी। तो सुनो, बहना ओ बहना मान लो मेरा कहना, मत खाओ तुम इतना सारा खाना, वरना मोटापा पड़ेगा तुमको सहना, हो जाएगा तुमको इतना सारा मोटापा कि नहीं पहन पाओगी अपनी शादी में एक भी गहना। बहना ओ बहना मान लो मेरा कहना। खैर हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम लोग छोटे थे तो दो रोटी खा के मस्त रहते थे और पूरा दिन एनर्जेटिक रहते थे, लेकिन इस रसगुल्ले जैसे शक्ल वाले बच्चे को भी जरा देखे। है भाई, जब इसका नाश्ता इतना है तो खाना कितना होगा भाई? खाना छोड़ो भाई, इसका थोबड़ा ही कितना है, खा खा के फुला लिया है क्या बे? यार सच में ये कुंभकर्ण का कॉपी किया है, हाँ मैं बता रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि वो कुंभकर्ण सोता था और ये खाता है। यार साफ साफ बता दे कि हम लोग इस धरती पर रहे या किसी और ग्रह शिफ्ट हो जाए। यार ये लोग जिस स्पीड से खाना खा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस धरती पे अन्य कुछ हमारे लिए भी बचने वाला है। अरे मोदी चाचा से बात करके इसको कोई मंगल ग्रह पहुंचाओ रे। बीच में ना बोल, मैं इधर बात कर रहा हूँ। वो कहावत नहीं सुनी कि जब दो बेवकूफ कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो यार ये सब देख के हमारा भी मन हो रहा है कि हम भी खाने के लिए जीने लगे हैं, और हमारा इमेजिनेशन कुछ इस तरह भाग रहा है। छी छी, मैं शाकाहारी हूँ यार, ये स्क्रिप्ट भी मेरे को ध्यान में रख के लिखा करो। तो यार मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ और वीडियो नॉनवेज होते जा रहा है भाई, मुझसे अब नहीं झेला जाएगा। लेकिन आपके लिए दो तीन सवाल हैं। एक तो यार, आप खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो, कि आप वेजिटेरियन हो और नॉनवेज भी खाते हो? ये दो तीन चीजें कमेंट में जरूर बताइएगा। और तीसरा, मैं अपना दो लाइन कह के जाता हूँ कि कहीं फेंक दिए जाते हैं तो कहीं दाने दाने का मोहताज है, पर चेहरा इंसान और पेट गोडाउन
ऐसे लोग भी पाए जाते आज हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो से थोड़ी सी भी आपके चेहरे पे हंसी आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल पे आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करने से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और मेरी एक भी वीडियो आप मिस ना कर दे। सो फिर मिलेंगे, अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।